आराम से चलो रहा है निकल गए आराम से गिरम लो जान पल भर दिए हैं बाल्टी में देख सकते हैं पूरा। चलिए फाइनली इसको निकाल लेते हैं पटरा को। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कैसे हैं आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे। नब्बे चैन स्वागत है आप सभी को एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी करीब 12 बज रहा है और चलिए हम लोग खाना पीना खा के रेडी हैं। फ्रिज को सेट करेंगे अभी घर में और देखते हैं कहाँ पे सेट करें, है ना। तो हम सोच रहे हैं यहाँ सिलेंडर है ना, सिलेंडर हटा के और ये पटरा हटा के, अब पटरा तो आ जाएगा कूलर के नीचे भी ठोक सकते हैं इसको मसाला रखने के लिए, और एक सिलेंडर इसके नीचे डाल देंगे चौकी के, है ना। एक सिलेंडर उधर कोने में हो जाएगा वहाँ पे जहाँ रिंग लाइट पड़ा है, और यहाँ पे फ्रिज हो जाएगा। फ्रिज से थोड़ा सा हटके ही ये चूल्हा रखेंगे क्योंकि हमें पता है कंप्रेसर में आग लगने की दिक्कत होती है, है ना। तो थोड़ा सा खाना बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एकदम फ्रिज को उस साइड रखेंगे। हाँ, और देखिए फ्रिज लाए थे तभी एक कोल्ड ड्रिंक लाए थे थम्सअप का रात को ही रखने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं रख पाए। और अभी देखिए बारिश होने लगा था तुरंत, तो प्रिंट्स भेजते भेजते दौड़े आए हैं फ्रिज रखने के लिए। और फ्रिज को हमने वो पॉलीथीन से ढक दिया, पॉलीथीन था उसका कवर उसी से ढक दिया था, पानी तो बिल्कुल ही नहीं गया है। वैसे पानी थोड़ा बहुत जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए फटाफट सेट करते हैं और इसको हटाते हैं सारा सामान। पहले इधर आओ प्रिंट्स, हाँ तो फटाफट से साइड करते हैं। आराम से प्रिंस, आराम से हो पहले किचन में ले जाओ, वो तो बाद में भी रख सकते हैं। तो भारी तो होता ही है, उठा लीजिए एकदम बाहुबली बन के आराम से। और अभी देखिए बारिश हुआ, अभी तुरंत धूप निकलने वाला है क्योंकि बारिश से ऐसा मौसम नहीं था कुछ भी। तो चलिए देखिए मानसी भी लग गई है काम में। बेटा आप भी सफाई कर रही हो? हाँ, लेकिन मैं चीनी को यहाँ रख दी थी आपको। अच्छा चीनी को लो प्रिंस पकड़ो। पकड़ो बेटा ये लो। तो चलिए फटाफट इसमें से डिब्बा में से ना जो खाली है उसको इधर के लिए दाल थोड़ा सा इतने के लिए डिब्बा रख। नहीं, इसमें दाल भरना है, दाल खत्म हो गई है। ये तेरी मुस्कुराहट। तो चलिए प्यार से गाना गा के काम करने में मजा आता है। ये लो इसमें हल्दी भर। और ये है क्या है, इसमें मसाला है, ये चाय पत्ती, और ये है मूंग दाल, और ये है अचार, और इसमें है कुछ नहीं। इसको देखो, इसको रखो ऐसे सीधा। ये लो ये तेल, इसको एक काम करते हैं, चलो उसको थोड़ा सा चूल्हा उधर पहले चावल भर देंगे। हाँ, थोड़ा सा वो कैसे चावल बहुत ही ज्यादा रखे चावल भर दिए हैं बाल्टी में, देख सकते हैं पूरा फुल हो गया। अब इसमें बच गया है 2-3 kg और बचा है, तो इसको अभी साइड रखते हैं। अब इसमें बोरा में से तब तक बनाएंगे, है ना। अंदर चल वो, रुको। तो चलिए अब इस पटरा को यहाँ से हटाते हैं। देखिए कितना डिजाइन से इसको पटरा को लगा रखे हैं, इसे तार बांध के कील मार के तब बड़ा है। ऐसे उधर भी बनाना पड़ेगा, मिट्टी का दीवार है ना, इसमें कील निकलने का भी डर रहता है, तो वजन नहीं देना है ज़्यादा। अभी चावल को अंदर रख दिया है, ये बोरा को भी थोड़ा सा अंदर ही घुसा दो लो, नहीं तो निकल जाएगा वो। जान दीजिए दोस्तों, कोई बात नहीं। हाँ भाई समझ रहे हो ना, आराम से टूटेंगे, आराम से साइड में। हाँ एकदम कोने में। तू पूर्व पश्चिम आड़े बनाइबो और कोने मड़े बनाइबो ना, का पता के रखो पूर्व में बाहर पता। तब वैसे ही रहेगा ना, नीचे पकड़ दे रखो। दे
क्या बेटा अभी साफ होगा वो। रुको रुको, हम जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो चलिए फाइनली इसको निकाल लेते हैं पटरा को। क्लास कहाँ है तेरा? पता नहीं, बाबा से पूछ। एक तो खींच दिए। ये नहीं खींच रहा। पटरा का काम बाबू ना अच्छा हो जाए लगे। वहाँ लगेगा, रखिए। तो इसको चलिए फिलहाल यहाँ रखते हैं। काटी निकाल दिए हैं कील जो था, और इधर ये पेपर लगा हुआ थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में देख सकते, पुतल अपना काम करेगा ना, तो किसी और काम करने नहीं देगी लगता है। और ये वाला मसाला जम गया है यहाँ पे सिलेंडर के पास, तो वो क्या करें उसको, वो रहने देते हैं वहीं पे, क्योंकि पूरा दीवार में सटाना तो है नहीं। नीचे में थोड़ा ऊंच खाल होगा तो उसमें कुछ लगा के उसको टाइट कर देंगे, है ना। और काजल अभी झाड़ू लगा रही है, इधर से कचरा निकला था थोड़ा थोड़ा, हो जाता है मिट्टी घर में, गर्द धूल मिट्टी जमता रहता है। चलो दिखाओ, प्रेस पकड़ो। खेतों में घर है तो आ ही जाते हैं, छोटा वाला घोंगी जो नहीं होता है, मीठा वाला वो। रख, आराम से देखना गिरे ना। अरे पॉटे रख दे, कैसे भी वैसे रखोगे तो गिरेगा वो। रखे पॉट, छोड़े गिरे दे। छोड़ी छोड़ी छोड़ी, पानी गिर गया बेटा, हटो बेटा। चप्पल पहन लो सारे लोग, नहीं तो यहाँ फिसल करेगा, बहुत काई जम गया है। ये कौन सा ट्रे है? अच्छा, इसका पानी जो है इसमें गिरेगा, और ये ऐसे इसमें से पानी फिर हम बाहर साफ कर देंगे। ऐसा वाला पेच एक यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ नहीं है, है ना? पता नहीं। हाँ, ये पाइप है, ये तो फ्रिज का जो गैस का वो होता है ना, लिक्विड जो आता है, तो वो इसी में गिरता है। तो इसमें क्या होता है, जम ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, तो इसको ऐसे निकाल के इधर बाहर डाल के इसको धो धा के सफाई करके फिर इसमें ऐसे लगा दिया जाता है, इसलिए दिया है ताकि इस पर नहीं गिरेगा। पहले वाला हमारा था तो इसमें गिरता था, है ना। तो ये सही है, ट्रे दे दिया इसके लिए। और चलिए उठा के ले चलते हैं, अभी तो ये फोम पे है, फोम से इसको बाहर करते हैं। और इसमें वो होगा ना, इसका गोड़ा रखने वाला गोड़ी है, छोटका छोटका पाँव। चलो उठाते हैं, दोनों उठा लेंगे, ऐसे उठाएंगे इसको, ऐसे पॉट करके, है ना। देख हम क्या कर रहे हैं, चलो उठाओ आराम से, चलो निकल गए, आराम से गिरम लो जान। काजल इधर आओ, दरवाजा बंद कर। चलो अब ऐसे उठा के इसको, खसकाना नहीं है ना, खसकाना नहीं है, पर पुराना वाला था कि कैसे भी खसका इधर। इसका वो निकालो, पुलाव कहाँ गया? उधर है। टेढ़ा सीधा है ना, और उधर का और थोड़ा सा आराम से, बस बस बस, थोड़ा सा इस साइड कुछ लगाना पड़ेगा, इस साइड थोड़ा सा कुछ लगाना पड़ेगा, इधर नीचे में, हाँ नीचे में, हाँ यहीं पर, यहाँ पे ऐसे लगाना हो जाएगा, ऐसे तोड़ के लगा दीजिए। अरे ये नहीं है, चलिए यहाँ कुछ लगेगा तो लगा देते हैं कुछ, वो तो पिछ पिछ जाएगा। एकदम हेती चुकी चाहिए। बाहर बेटा आंटी आई है, दे बाहर आंटी आई है, दे। हाँ। चले यहाँ नीचे में कुछ लगा देते हैं। खुश हो गई, खुश हो गई थी आंटी। अब इसका सारा जितना भी पॉलिथीन है, टेप है, सब निकाल निकाल लेते हैं। यहाँ ना दोस्तों, मेरे से थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था, दरवाजा खोल रही थी तो जबरदस्ती खोल रही, दम लगा के दरवाजा खोल रही। फैदी
चलो इसको सारे स्टिकर को उड़ा फाड़ दे, इसको निकाल दो, हटो कर। अरे बाद में पोंछ लेना। बाप हो, अरे बाप, पानी लग गया था दोस्तों, देखिए कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं भी लिविंग से लेके आई थी, धोने वाला कपड़ा इसलिए पोंछ लिया। इसमें भी एक ये है, ये क्या है सोने, ये गाइड है, मतलब गाइड बुक तो नहीं आता है कैसे इसको स्टेप 4 स्टेप 3 स्टेप 2, ये तो काम का चीज है। और फ्रिज तो हमेशा वैसे ऑन ही रहता है ठंडी हो या गर्मी हो, क्योंकि इसको ज्यादातर बंद नहीं किया जाता है ना। हाँ ये लो, इसमें सीख लेना पढ़ पढ़ के, इसको लगा दीजिए, सब टेप हो जाते हैं अंदर से। इसमें चाबी इधर रखा हुआ है, ये वाला निकालते हैं, इसको बदल दिखाते हैं लगा कहाँ लगेगा ये, है ना? इसको ऐसे करती हूँ, रुको बेटा। और इसका टेप जो है ना काफी तगड़ा वाला है, चिपका, इसको उधर रख देते हैं, ये पॉलिथीन इसको हटाते हैं, बस अब ये देखिए ये यहाँ पे लगेगा। उसको हम बोलेंगे नहीं लगाइए, क्योंकि हम सफाई वगैरह नीचे से अच्छे से, तो निकाल के अपना सफाई करना फिर लगा देना। अब ये लग गया ना तो नीचे से देखे कितना प्यारा लग रहा है, नहीं लगाइए, कितना अच्छा लग रहा है। सफाई करना तो ये क्या है, ऐसे खींचना और पूरा सफाई वफाई करके फिर उसके बाद से लगा देना। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग फ्रिज को सेट कर दिए हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। नीचे वाला खोलना था, नीचे वाला अलाव इसको भी, हाँ इसमें देख सकते हैं ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक उसमें कहाँ घुस, अंडा रखने के लिए दिया, सही बात है। अरे क्या बात है, अच्छा इसमें से पढ़ के बताए। और ये लगेगा यहाँ पे, हाँ ये एक्स्ट्रा था तो हम सोच रहे थे कि ये एक्स्ट्रा क्यों है, लेकिन इसका भी एक स्टैंड है, देखिए यहाँ लग गया है ना, कितना ही प्यारा हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों ये लगा दिए हैं यहाँ पे स्टैंड, हाँ अब लगा है ये। और ये हैंगर किस लिए है ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या टांगते हैं, हाँ? इसको बंद करना, ये कहाँ लगेगा भाई, इधर ही कहीं लगना चाहिए इसको भी ना, चलिए देख लेंगे उसको कहाँ रखना है, या फिर आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हमें उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहले वाला फ्रिज था वो जो गिफ्ट में मिला था तो वो मतलब कि पुराना मॉडल था, तो उसमें ज़्यादातर आसान चीज़ें थी, और उसमें थोड़ा नया नया है। और ये पता नहीं ये क्या है, सर्दी गर्मी बसंत ऐसे कुछ लिखा हुआ है, लिखा है बसंत, सज में बसंत ऋतु नहीं होता है। और इसको भी ये टेपो का आएगा, छोड़ दिया है, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, लो ये सही है, ये सही है सिस्टम ना। अरे आलू ला के इसमें भर दो, सब्जी लाएंगे तो रखेंगे इसमें, है ना। फ्रिज तो अच्छे से सेट हो गया, लेकिन इसको ना हम सोच रहे उस घर में रख के फ्रिज इस साइड रख देंगे, क्योंकि वहां पर हम खाना नहीं बनाएंगे रखे, उससे क्या यहाँ पर खाना नहीं बनेगा, उधर ले जाके बनाएंगे। और यहाँ पे ये पटरा लगा दिए हैं, और जैसे कि उस वाले घर में एक दरवाजा लगा के ना रूम में, और ये छोटा छोटा चीजें जो है बॉक्स हो गया और भी कई चीजें हैं वो सब रख देंगे ना, तो ये वाला घर थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे मसाला रखने वाला मैंने रख दिया, बना दिया है, और हालांकि खाना यहाँ पे नहीं बन पाएगा, बार बार वहां ले जाना पड़ेगा शायद ना, एक डेढ़ महीने दो महीने तो, क्योंकि अब पैसे होगा ना, सबसे पहले उसमें एक दरवाजा लगा देंगे फिर रख देंगे, है ना। तो चलिए सारा मसाला डिब्बा ढकनी सब रखते हैं इस पे, है ना। दोस्तों फ्रिज को तो सेट कर दिए थे,
और आज देखते हैं, और ये वीडियो हम नेक्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन शूट कर रहे हैं। तो चलिए, आप सबको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे तैसे छोटा सा घर में छोटा सा गोलू मोलू सा फ्रिज रखे हैं, और बहुत जल्द इसमें उस वाले घर में गेट लगवा के इधर का सामान सारा उसमें डाल देंगे, फिर फ्रिज आराम से रहेगा इसमें, और खाना वहाँ पे नहीं बनाएंगे हम लोग, बार बार उधर बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।